अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी प्रीवियस रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। मुझे बहुत अच्छे फीडबैक उसके मिल रहे हैं और दिल कर रहा है कि मज़ीद कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाएं जो बहुत इजी हो, खाने भी सबको पसंद हो और प्रेजेंटेबल भी हो ऑफ कोर्स। सो मैंने सोचा थाई रेसिपी भी हो गई, उसके बाद हम लोगों ने पास्ता भी कर लिए, सैंडविचेस भी कर लिए, अब क्या रह गया जो बहुत अर्जे से नहीं हुआ। और फिर याद आया कि हमने अभी तक डिज़र्ट दोबारा से नहीं बनाया। ये एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, हेल्दी डिज़र्ट है बाय द वे, और ये विंटर स्पेशल भी है। इंग्रेडिएंट्स नहायत सिंपल हैं, इजी टू डू रेसिपी है, इसके अंदर बेकिंग भी आ जाएगी और जैसा कि आपके सामने मैंने स्टोव भी रखा हुआ है तो इसके अंदर कुकिंग भी आ जाएगी। साथ में मैं बताऊँगी बेकिंग की वो सारी ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक दिस डिज़र्ट एकदम परफेक्ट। तो ये डिज़र्ट की रेसिपी मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है और जब जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई है तो उनकी डिमांड मज़ीद बढ़ी ही है। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टिकी डेट पुडिंग विद कैरमल सॉस। कैरमल सॉस तो वैसे ही बहुत वर्सेटाइल रेसिपी है, आप चाहें तो उसको आइसक्रीम के ऊपर ड्रिजल कीजिए, किसी ब्राउनी के ऊपर ड्रिजल कीजिए या फिर केक के लिए फ्रॉस्टिंग ही बना लीजिए। तो हम ऐसी ही रेसिपीज़ इन द फ्यूचर भी करेंगे जो आपकी मज़ीद डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर भी काम आ सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टिकी डेट पुडिंग से। सबसे पहले एक सॉस पैन को लीजिए और इसे गरम कर लें। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 180 ml मिल्क। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास कुछ डेट्स मौजूद हैं, ये ईरानी डेट्स हैं। वैसे आपके पास जौन सी भी डेट्स हों आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने पिटेट भी कर लिया है और साथ में हाफ्स कर लिए हैं इसके, बिल्कुल इस तरह से। डेट्स को डाल देंगे मिल्क के अंदर। यहाँ पे हाफ टी स्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है, इसके ऊपर इसको भी स्प्रिंकल कर दी और अच्छे से मिक्स कर दी। डेट्स को हम बिल्कुल लो हीट के ऊपर पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। सो यहाँ पे प्रेफरेबली अगर आप कोई सॉफ्ट टेक्सचर वाली डेट का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आपके पास कोई भी डेट मौजूद हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह की डेट की सिलेक्शन मैंने की है वो थोड़ी सी हार्ड डेट्स में आती है, लेकिन बेकिंग सोडा बहुत जल्दी इसको सॉफ्टन कर देगा। ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इसके अंदर जितनी आपकी डेट्स सॉफ्ट हो सकती हैं उतनी ही बेहतर आपको स्टिकी डेट पुडिंग भी मिलेगी। बेकिंग करने का नंबर वन उसूल ये है कि आप अपनी मेजरमेंट्स को बिल्कुल प्रॉपर रखिए, इनके अंदर ज़रा सी भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। डेट्स को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और बेकिंग हमें बहुत अच्छा पेशेंस सिखाता है। अगर ज़्यादा हार्ड डेट्स हों तो आप उसको पहले से गर्म पानी में भी सोक करके वो 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं ताकि जब उसका मिल्क मिक्सचर बने जिस तरह से हम अभी बना रहे हैं तो वो जल्द अज जल्द सॉफ्ट हो सके, लेकिन इस तरह से इसके न्यूट्रिएंट्स इसके मिल्क में ही रहेंगे। किस तरह से मिल्क का कलर भी चेंज हो गया है। इसको बिल्कुल आपने लो हीट पर रखना है सो दैट ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टन होती रहे। सो डेट्स हो गई हैं एकदम सॉफ्ट जैसे कि हमें चाहिए। इसको कर देते हैं अब हम सेट असाइड। जितनी देर ये ठंडा होगा उतनी देर हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्रैक 1 egg और बाउल में एग को डाल दीजिए, इसको हल्का सा बीट कर दें। बेकिंग करने के लिए कुछ चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल विस्क, स्पैचुला,
और बेकिंग स्केल, साथ ही साथ मेरिंग कप्स एंड मेरिंग स्पूंस। अच्छे से हीट हो चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, तकरीबन 110 ग्राम्स। आप देख सकते हैं कि इसका कलर लाइट हो गया है और ये एकदम इनकॉर्पोरेट भी हो गया है। इसको अच्छे से विस्क कीजिए तकरीबन 1 मिनट के लिए, या जब तक इसका कलर थोड़ा सा होमोजेनाइज एक जैसा ना हो। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ पे कर रहे हो जिसके अंदर ब्राउन शुगर जा रही हो, तो हमेशा लाइट ब्राउन शुगर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे 45 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर। बटर मेल्टेड फॉर्म में होना चाहिए लेकिन गर्म नहीं। इसको भी अच्छे से बीट कर लीजिए। ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। आप सोच रहे होंगे कि डिजर्ट के अंदर सॉल्ट और गरम मसाला क्यों? वो इसलिए क्योंकि सॉल्ट बेसिकली बैलेंस देता है मीठे को, और ये ऐसा डिजर्ट है जिसके अंदर थोड़ा सा स्पाइस होना ज़रूरी है, तो गरम मसाला एंड डेट्स दे गोज परफेक्टली वेल। 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वाओ, देखिए कितनी खूबसूरत शाइन आ गई। अब इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर हम सीखेंगे एक अल्टरनेटिव मेथड। उस मेथड के तहत 3 हिस्से जाएंगे फ्लावर के और 2 हिस्से जाएंगे डेट एंड मिल्क मिक्सचर के। सो यू विल स्टार्ट एडिंग विद द फ्लावर एंड एंड विद द फ्लावर एज वेल। चलिए देखते हैं कि ये कैसे। 1/3 ऑफ अ फ्लावर मैंने ऐड किया और इसको विस्क कर दिया। हम इसे ज़्यादा विस्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा विस्क किया जाता है तो इसका मतलब है कि हम बैटर के अंदर एयर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये इस तरह का डिज़र्ट है जिसके अंदर हमें एयर को इनकॉर्पोरेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एयर इनकॉर्पोरेट की जाती है कपकेक्स बनाने में, केक्स बनाने में, बट दिस इज़ अ डिज़र्ट। अब हम आधा मिक्सचर डेट्स का इसमें ऐड करेंगे। डेट्स ने अच्छे से मिल्क को सोक कर लिया। कितने अच्छे से मिल्क को सोक कर लिया और ये मज़ीद सॉफ्टन हो गई है। अब इसको भी मिक्स कर लीजिए। अब नेक्स्ट ऐड करेंगे फ्लावर का और मिक्सचर, तकरीबन अगेन 1/3 ऑफ अ कप। साथ ही ऐड कर देंगे डेट का बाकी का मिक्सचर। पहले हम कर रहे थे विस्क, अब हमें ज़रूरत है इसको फोल्ड इन करने की, और फोल्ड इन किया जाता है स्पैचुला की मदद से। इस तरह से हम करेंगे इसे फोल्ड इन। आप देख रहे हैं मेरे स्पैचुला की मूवमेंट कि नीचे से बैटर लाया और इसको ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब हम बाकी का फ्लावर को भी ऐड कर देंगे और इसको भी फोल्ड इन कर दीजिए। अभी से इतने मज़े का अरोमा आ रहा है, डेट्स, मिल्क और साथ में सिनेमन की खुशबू। ओहो, आप चाहें तो सिनेमन को और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आपने हमेशा नीचे से स्पैचुला लेकर आना है और फिर फोल्ड इन करना है। मिक्सचर हो गया है एकदम फोल्ड। अब हम इसे डालेंगे बेकिंग मोल्ड के अंदर। स्टिकी डे पुडिंग को आप किसी भी डिश में बना सकते हैं। मैंने चूज़ किया है ये सिरेमिक की एकदम खूबसूरत सी डिश। इसके अंदर बनाते हैं स्टिकी डे पुडिंग को। स्टिकी डे पुडिंग को बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30-35 मिनट। लेट्स बेक इट। चलें अब स्टार्ट करते हैं कैरमल सॉस। सबसे पहले 110 ग्राम्स हम वाइट शुगर को लेंगे और इसको ऐड कर देंगे सॉस।
मेल्ट होने के लिए अब शुगर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये हम बना रहे हैं ड्राई कैरमल। ड्राई कैरमल के अंदर बटर ऐड नहीं है। ये देखिए, शुगर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत इसका एक सॉस का कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। स्टोव को कर दीजिए लो और इसमें ऐड करेंगे 30 ml ऑफ मिल्क और इसको विस्क करते रहिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 57 grams ऑफ को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हीट को कर दें एकदम लो और इसको तब तक मिक्स कीजिए जब तक ये इनकॉर्पोरेट ना हो। सॉस पैन को कर देंगे रिमूव। कैरमल सॉस तो हो गई है एकदम रेडी। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टिकी डेट पुडिंग कहाँ तक पहुँचा। स्टिकी डेट पुडिंग बेक हो चुकी है और बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है। इसको आप गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा भी। इसके ऊपर ड्रिजल कीजिएगा हमारी बनाई हुई कैरमल सॉस और इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।